हे गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। गाइस, आज का ये वाला वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, जिन्होंने पबजी अभी अभी खेलना स्टार्ट किया है और यार क्लॉ में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे गाइस जो कि फोर फिंगर या फाइव फिंगर क्लॉ सीखना चाहते होंगे। लेकिन यार सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है गाइस कि आपको अगर क्लॉ सीखना है तो यार सबसे पहले आपको थ्री फिंगर में शिफ्ट होना होगा। क्योंकि गाइस अगर आप थ्री फिंगर में शिफ्ट हो जाते हो और थ्री फिंगर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा खेलने में, तब यार आप बहुत ही आसानी से फोर या फाइव फिंगर में शिफ्ट हो सकते हो। तो हम जानेंगे गाइस सबसे बेस्ट सेटिंग जो कि यार जिसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो और आप बहुत ही आसानी से थ्री फिंगर सीख लो और थ्री फिंगर के बाद आप जितना फिंगर में चाहो उतना फिंगर में आप खेल सकते हो। तो चलो गाइस इस वाली वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और यार आपके लिए मैं आसान से आसान सेटिंग बताऊंगा जिससे यार आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप बहुत आसानी से थ्री फिंगर क्लॉ में शिफ्ट हो जाओ। तो सबसे पहले गाइस हम चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में और मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूँ। इससे पहले गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आपका भाई यार आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियोस लाता ही रहता, तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे ही दिख रहा होगा। साथ ही गाइस वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को जरूर से लाइक करना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और उनको भी बताना यार कि आप ऐसा सेटिंग क्लॉ का सेटिंग आप रख सकते हो। तो गाइस सबसे पहला तो यार मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ अपने कंट्रोल्स में सेटिंग नहीं किया होगा तो कुछ इस प्रकार से आपका ऑल ओवर सेटिंग होता होगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो गेम प्ले में। तो गाइस आपको क्या करना है यार, सबसे पहले यार आप देख ही सकते हो एकदम सेम नॉर्मल है गाइस, यहाँ पर सारा एक भी बटन अलग अलग नहीं है गाइस, सारा क्या सारा सेम है। तो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं कंट्रोल्स में और मैं आपको दिखाता हूँ आपको कौन सा बटन कहाँ रखना है। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है यार मतलब कंट्रोल्स में गाइस फायरिंग बटन, तो आपको फायरिंग बटन कहाँ रखना है इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहला जो यार राइट हैंड के साथ साइड फायरिंग बटन होता है वो मेन इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ आप उसी का करते हो। तो गाइस सबसे पहले तो यार इसका साइज गाइस आपको 160 to 180 कर लेना है जब आप स्टार्टिंग में रखो और यार लास्ट तक आपको इतना ही रखना होगा इसका साइज गाइस। और इसका मतलब इसको यार जो आपको रखना है गाइस आपका जो टीममेट का नेम होता है वहाँ के मतलब आगे के साइड आपको रखना है, तो कुछ इस प्रकार से आप रख लेना गाइस। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड का जो फायरिंग बटन होता है इसका भी साइज सेम कर देना जितना आपका राइट हैंड साइड वाला फायरिंग बटन का होगा और उसको मतलब यार इसको भी आपको जस्ट उसके पीछे आपको सेट कर देना। मतलब यार गाइस अगर आप स्टार्टिंग में क्लॉ सीख रहे हो तो यार सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगा ये होगा कि आप फायर करोगे और आपका फिंगर यार वहाँ पर टच ही नहीं होगा। तो आप जितना बड़ा करोगे गाइस आपको आसानी होगा वहाँ पर फायरिंग बटन पर क्लिक करने में, क्योंकि अगर आप उसके आसपास भी रखते हो तो गाइस आपका मतलब यार जो बुलेट है वो फायर हो जाएगा और एनिमी को जाके लगेगा। तो गाइस कुछ इस प्रकार से ये आप सेट कर सकते। अब गाइस हम बात कर लेते हैं यार दूसरा इम्पोर्टेंट बटन के बारे में। तो यार दूसरा जो आपका मेन इम्पोर्टेंट बटन होता है वो होता है गाइस पिस्तौल और यार गन रखने का। तो गन आप देख सकते हो गाइस आपको जो ये हेल्थ होता है जस्ट उसके ऊपर दो आपका बना होता है गाइस आपका बटन जहाँ पर आप दोनों गन रखते हो। तो यार आप क्लॉ में यार अच्छा से रख पाओ इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला गन वाला होता है गाइस उसको बटन को उस बटन को यार जस्ट आपके जो राइट हैंड साइड वाला होता है गाइस उसके ऊपर जस्ट आपको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है, जिसके बाद यार आप आसानी से अगर आप चाहो तो जो मेन अंगूठा होता है गाइस आपका राइट हैंड साइड वाला उससे आप अपना गन चेंज कर सकते हो। तो गाइस ये आप कर लेना, इससे आपको यार गन चेंज करने में कोई परेशानी नहीं होगा यार और आप बहुत ही आसानी से गन को चेंज कर सकते हो। कई बार होता है गाइस आप देखते होंगे कि सिंगल हो जाता है टैप टैप करके आपका चलने लगता है गन, तो ये भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। साथ में गाइस जस्ट उसके ऊपर वाले में आप पिस्तौल वाला बटन सेट कर लेना तो वहाँ से आसानी से आप मतलब यार अंगूठे से ही वो भी आप चेंज कर सकते हो। और गाइस अब ये जो रिवाइव करने वाला ऑप्शन होता है इसको आपको बीच में करके यार आपको इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देना, क्योंकि गाइस आप देखते होंगे यार कि कई बार आप अपने टीममेट को रिवाइव देते हो और रिवाइव पर क्लिक नहीं होता और आपका टीममेट मर जाता है, तो ये आप कर लेना। और रिवाइव के जस्ट बगल में गाइस आपको कर लेना है ड्राइविंग वाला, और गाइस ड्राइविंग और गेट इन का जो ऑप्शन होता है उसके मतलब यार राइट हैंड साइड में कुछ दूर पर आप एग्जिट वाला करना, क्योंकि गाइस अगर आप डिफॉल्ट सेटिंग का बात करो तो उसमें यार गेट इन और जो ये एग्जिट का बटन होता है कुछ बहुत ज़्यादा आसपास होता है, जिससे यार कभी कभी यार मतलब गलती से मतलब क्लिक हो जाता है एग्जिट पर और आप देखते हो यार आप कार से गिर जाते हो और यार एनिमी को मारने से पहले ही आप डेड हो जाते हो।
अब गाइस हम बात कर लेते हैं यार जो डोर ओपन और स्केटिंग वाला ये जो ऑप्शन है, तो गाइस आपको ये इसमें ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहीं रहने दो। आमतौर पे यार आप देखते हो खुद से गेट ओपन हो जाता है और स्केटिंग का तो अभी ऑप्शन भी ख़त्म हो चुका है, तो आप इसको यहीं पर रहने दो गाइस, यही इसका बेस्ट जगह है। और गाइस अब मेन्यू का मैप के बारे में बात कर लेते हैं गाइस कि मिनी मैप को आपको कहाँ रखना है। तो गाइस मिनी मैप को आपको हटाने का अभी 3 फिंगर में कम से कम कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, आपको 3 फिंगर छूने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। 3 फिंगर में यार आप जैसे मैप है ऐसे ही आपको उसको रहने दो, क्योंकि गाइस उसको अगर ज़्यादा आप इधर उधर करते हो तो आपको दिक्कत होगा। गाइस अब बात कर लेते हैं पीक वाला ऑप्शन को, तो पीक वाला ऑप्शन आप राइट हैंड में भी रख सकते हो गाइस, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे ख्याल से गाइस आपको रखना चाहिए राइट हैंड साइड में ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप इसका बटन साइज जो है गाइस 150 के आसपास आप कर लेना, और कुछ इस प्रकार से गाइस आप देख सकते हो मिनी मैप के नीचे आप रख लेना। और ये जो क्लैम करने का ऑप्शन आया गाइस एक नया ऑप्शन, तो यार आप इसको डिसेबल करके रखना भाई, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आपको आप इसको यूज़ करोगे, तो उसको यार ज़्यादा यूज मत करना। अब बात कर लेते गाइस ये रीलोडिंग वाला, तो रीलोडिंग वाला जो बटन होगा गाइस आप उसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके आप ग्रेनेड जो आप रखते हो थ्रोबल आइटम उसके जस्ट बगल में करके आप उसको साइज में बड़ा कर लेना। अब गाइस बात करते हैं क्राउच का, तो क्राउच का जस्ट उसके बगल में आप रख लेना और बटन साइज थोड़ा बड़ा कर लेना, जिसे यार आप क्लिक करो तो एक बार में क्लिक हो जाए और आपको आसानी हो यार क्लिक करने में। उसके बगल में ही जस्ट आपको गाइस रखना है प्रोन वाला ऑप्शन, जितना आप क्राउच वाला करोगे बटन साइज उतना ही आपको यार प्रोन वाला भी कर लेना। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आप साइज कर सकते हो। उसके जस्ट ऊपर आपको जंप वाला कर लेना गाइस, ये आपका मेन होगा गाइस, क्योंकि आपको आप मतलब यहाँ पर अगर आप डिफरेंट देखो तो सिर्फ फायरिंग बटन में गाइस, उसके अलावा यहाँ पर आपका सब मतलब यार सब आइटम मतलब सेम होगा, सब बटन सेम होगा, तो आपको कुछ परेशानी नहीं होने वाला है। अब गाइस जस्ट इसके जो क्राउच ये जंप वाला ऑप्शन होगा गाइस, इसके जस्ट ऊपर आपको यार क्या करना है, आपको यहां पर जो ये वाला स्कोपिन का ऑप्शन होगा, इसको स्कोपिन वालों को भी आपको बटन को बड़ा करना होगा, क्योंकि आप कितने बार आप मतलब यार स्कोपिन करते होगे गाइस आपका क्लिक नहीं होता होगा, तो स्कोप इन वाला ऑप्शन को भी आपको बड़ा कर लेना है। तो गाइस स्कोपिन वाले बटन को यार आपको 150 टू 160 के बीच में आपको कर लेना है, और यार आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना जिससे यार आपको आपका जो उंगली है गाइस आसानी से उस बटन पे क्लिक हो सके। तो यार आप मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ गाइस मतलब क्राउच और प्रोन वाले को और थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, आप अपने फ़ोन के स्क्रीन के हिसाब से उनको आप एडजस्ट कर लेना। और यार जो बटन है गाइस स्कोपिन का आप ऐसे जगह पर रखना कि आप आसानी से वहाँ पर क्लिक कर सको, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्कोपिन वाला भी ऑप्शन, तो आप इसको अच्छा से सेट कर लेना गाइस। तो इन चीज़ों के अलावा गाइस आपको कुछ यहाँ पर खास चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, इतना कर लोगे गाइस उसके बाद आपको जॉयस्टिक को छोटा कर देना जितना आप छोटा कर सकते हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो मेरा कितना छोटा है। उसके बाद गाइस मैं अपना जो मतलब 3 फिंगर सेटिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो गाइस सेम सारा जैसा मैंने आपको उसमें बताया सेम इस प्रकार से मैंने अपने में सेट करके रखा है गाइस। अब आप देख सकते हो जब इतना कर लोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका सेटिंग हो जाएगा। अब गाइस जॉयस्टिक जो मैंने आपको छोटा करने के लिए बताया उसका फ़ायदा ये गाइस कि आप जब भी ये मतलब मूव एंड शूट करोगे गाइस इसमें आपका बहुत आसानी होगा, क्योंकि बड़ा बटन होगा तो गाइस आप अपने फिंगर को कितना दूर ले जा सकते हो, अगर छोटा होगा तो यार आप बहुत ही आसानी से मतलब यार मूवमेंट कर सकते हो और मूवमेंट के साथ यार गाइस फायर कर सकते हो और यार एनिमी को कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि जितना आप मतलब मूव करोगे गाइस उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब गाइस इतना जब आप सेटिंग कर लोगे तो यार आपको मतलब यार बंदे को मारने में यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। इसके लिए गाइस आप क्या कर सकते हो यार, आप ज़्यादा नहीं गाइस हर घंटे मतलब यार दिन में 2-3 घंटे गाइस इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। और यार आपको प्रैक्टिस करना कुछ खास नहीं है गाइस, क्योंकि बाकी सब बटन तो आपका सेम ही होगा, बस आपको ध्यान ये देना है गाइस कि अगर आपका किल ना हो TDM में तो ना होगा इस, बस आपको ये एक चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको यार फायर पे बस क्लिक करना है। तो आमतौर पर TDM में आप इस प्रकार से भाग के आते हो गाइस, अब आपको बस देखना कि एम तो आपका दिख ही रहा है गाइस, आपका ये जो होता है एम वाला, इसमें आपको गाइस एनिमी के सामने ले जाकर बस आपको फायर बटन पर क्लिक करना है। जब ऐसे ऐसे 1 मैच 2 मैच 3 मैच आप खेलोगे तो यार आप इतना मतलब यार एक्शन होता है भाई भाई मतलब TDM के अंदर कि आप यार अंदर से मोटिवेट हो जाओगे भाई कि अब इस पर क्लिक करना ही करना है। और यार दो से तीन दिन के अंदर गाइस आप इतना मास्टर हो जाओगे इसमें कि यार आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर 2 से 3 वीक के अंदर गाइस आप इसमें अच्छा तरीका से शिफ्ट हो जाओगे, उसके बाद आप चाहो तो 4 या 5 फिंगर पे भी जा सकते हो। तो गाइस इतना करने के अलावा यार आपको कुछ यहाँ पर ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, आप ये वाला कॉपी करके
करके गाइस आप अपना कर सकते हो। और गाइस अगर आप जायरो में, तो गायरो में जायरो या गायरो आप जो भी बोलो गाइस, तो उसमें अगर आप शिफ्ट होना चाहते हो तो उसके लिए पहले ये कर लो गाइस, आप नॉर्मल सा ही उसके बाद उसमें आप शिफ्ट हो जाना। तो गाइस यही था गाइस आज का वीडियो, उम्मीद है यार आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि कौन सा बटन को आपको कहाँ रखना है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और भाई वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी का नए और एक्साइटिंग वीडियो में। पीस आउट।